गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं बालेश्वर प्रसाद। आज आप लोगों के बीच में पांचवी कक्षा से हिंदी विषय का दूसरा पाठ लेके उपस्थित हुआ हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन क्लास जो कर रहे हैं, इस ऑनलाइन क्लास को बेहतर ढंग से घरों पे बैठे हुए आसानी से करें। आपको काफ़ी सहूलियत हो, आपको जहाँ भी समझ में नहीं आए आप निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मुझे ये बातें समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे इस तरह से बताएं तो अच्छा रहेगा। मैं आपके नहीं समझने और समझने की स्थिति को भी जानना चाहता हूँ। अगर आपको बेहतर लगता है तो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने का प्रयास करें। और मैं आप लोगों को फिर सूचित करना चाहूँगा कि आप पहले आप अपना कॉपी और कलम साथ में रखें, ताकि कुछ मुश्किल शब्द अगर बीच में आते हैं बात करने के क्रम में तो आप उसको नोट करते चलेंगे और ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। क्योंकि आज दो पार्ट में हम देखेंगे फसलों के त्यौहार के बारे में। तो यहाँ फसलों के त्यौहार आपके क्या हैं, पार्ट दो में जो है फसलों के त्यौहार, फसल का त्यौहार समझ रहे हैं ना आप लोग, फसल का त्यौहार क्या होता है। फसलों का त्यौहार क्या आप त्यौहार मनाते हैं बच्चों, कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो त्यौहार कई प्रकार के होते हैं, कई तरह के होते हैं। जैसे आप देखेंगे कि त्यौहार में आप कभी होली मनाते हैं, कभी दीपावली मनाते हैं, कभी ईद मनाते हैं, कभी बकरीद मनाते हैं, कभी क्रिसमस मनाते हैं, यानी कई प्रकार के त्यौहार होते हैं। इन सभी त्यौहारों में एक अलग तरह का हम देखते हैं कि फसलों का भी त्यौहार होता है। फसलों का त्यौहार कैसे होता है, तो हम आज इस पाठ में इसी के बारे में चर्चा करेंगे, इसी के बारे में हम समझेंगे। तो आप निश्चिंत होकर ध्यानपूर्वक सुने, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो दूसरी बार सुने, तीसरी बार सुने, आप जितने बार सुनेंगे और इत्मीनान से सुनेंगे, बिना बात किए हुए सुनेंगे, बिना हल्ला किए हुए सुनेंगे, तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। लेकिन आप बार बार सुनेंगे तो आपका पाठ ही याद हो जाएगा। इसलिए छात्रों, मैं आपको इस पाठ को बताने के पहले एक बार सूचित कर देना चाह रहा हूँ कि आप जब मेरे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो उसके दाहिने हिस्से में लाल रंग से यदि सब्सक्राइब लिखा हो तो उसके साथ एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को दबाएंगे और आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको फायदा यह होगा, यानी एक तरह का लाभ होगा कि जब भी मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके वर्ग का कोई वीडियो अपलोड हुआ है तो आप उसे तुरंत देख सकते हैं, मेरे बताने के बगैर भी आप देख लेंगे, क्योंकि आपको तुरंत अपलोड होते पता चल जाएगा कि यह वीडियो अपलोड हुआ है। ठीक है छात्रों, तो चलिए आज हम देखते हैं कि फसलों के त्यौहार में, कि फसलों में कौन कौन से त्यौहार हम मनाते हैं। तो जिसमें आप देख रहे हैं कि फसलों के त्यौहार, यानी कि इसमें सबसे पहले आपके पाठ में जिक्र किया गया है कि सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर, बोरसी समझ रहे हैं ना, बोरसी यानी कि ठंडा के दिनों में, काफी जब कड़ाके का ठंडा होता है तो उस ठंडा के दिनों में हम लोग क्या करते हैं कि इस बोरसी के माध्यम से हम क्या करते हैं कि ठंडा के दिनों में हम आराम से बोरसी इकट्ठा कर लेते हैं। हम अपने घर के आसपास देखते हैं कि घर के लोग क्या करते हैं कि बोरसी इकट्ठा करके जब हाथ में कंपन होने लगता है, हाथ थोड़ा सा टाइट होने लगता है, तो हम लोग बोरसी में अपने हाथों को सेकने का काम करते हैं। तो सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहां तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होने चाहिए, माने लोग मानते हैं कि जब खिचड़ी का समय आता है तो धूप में थोड़ा सा गर्माहट आने लगता है, लोग यह उम्मीद रखते हैं कि खिचड़ी के बाद मौसम सही होने लगेगा, क्योंकि जब ठंडा का समय आता है तो ठंडा का समय में खिचड़ी के बाद मानते हैं लोग कि अब क्या होगा कि कुछ मौसम सही होने लगेगा, धूप अब निकलना शुरू होगा तो कड़ाके की ठंडी कम होने लगेगी। और यहां हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं, सूरज के इंतजार में आस लगाए क्या किए हैं, बैठे हुए हैं पूरे दिन, यानी पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता हो गया है, सूरज गायब हो गया है, क्योंकि जब कड़ाके के ठंड होते हैं तो उसमें 10 दिन हो जाते हैं, 12 दिन हो जाते हैं, 15 दिन हो जाते हैं और सूरज बिल्कुल गायब हो जाता है। क्या आप देखे हैं ऐसा,
कि सूरज गायब हुआ है और यह लापता हो गया है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इतना काफी ठंडा था कि सुबह में रजाई से निकलने का हिम्मत ही नहीं हो रहा था इस ठंडा के चलते। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, आखिर में समय क्या हो गया है यह अंदाजा ही नहीं हो रहा है। लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है, क्या पता चल रही है, रह रह कर कानों में कभी चापाकल चलने की आवाज आ रही है और पानी के गिरने की आवाज तो कभी 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 किसी के हाँक लगाने की आवाज आ रही है, किसी के आवाज लगाने की आवाज आ रही है। जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, यानी ऐसे आवाज आ रहा है कि जा भाग के देख केरा के पत्ता आयल की ना, भोजपुरी में ऐसे बात होता है तो, यानी ये कान में आवाज आ रहा है, हम सोए हुए हैं, दुबके हुए हैं बिछावन में, रजाई ओढ़े हुए हैं और बातें कानों में आ रही है, और कानों में जब आ रही है तो आज इन लोग के उठे के नहीं का, ऐसा आवाज आ रहा है कि आज इन लोग के उठे के नहीं का, बोल जल्दी तैयार हो खस, यानी जल्दी बोल कि तैयार हो खस, इसके बाद अब तो उठने में भी भलाई है। अब मान लो कि इस तरह की बातें आ रही है तब तो उठने में ही भलाई है, नहीं उठेंगे तो लोग आके जगाएंगे, कहीं पानी फेंक देंगे तब क्या होगा, तब तो और मजा किरकिरा हो जाएगा क्या बच्चों। इसलिए जब जगने की जगाने की बात आने लगे तो हमें समय से जग जाना चाहिए। और इस तरह से नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए, इस पाठ में है कि नहा धोकर हम सभी एक कमरे में क्या हुए, इकट्ठा हुए, और इकट्ठा हुए तो खिचड़ी में ऐसा ठाट हम पहले कहूं ना देखा देखी, सारा दे कनकना देता, यानी ऐसा जो है हमने कभी सर्दी में नहीं देखा था। यानी कि इसमें जैसे है कि दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मार लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है, चाचा के बारे में समझ रहे हैं ना, और दादा जो है सफेद रंग का मार लगा हुआ धोती का चकाचक मार लगा हुआ कुर्ता पहने हुए हैं, धोती पहने हुए हैं, खिचड़ी में ऐसा ठाट हम पहले कहो ना देखी, सारा देह कनकना देता, माने पूरा देह क्या करता है, कनकना दे रहा है, पूरा ठंडा से कपकपा दे रहा है। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज्यादा लग रही है, माने शायद धोती पहने हैं इसलिए उनको ठंड कुछ ज्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी, खादी का सफेद साड़ी है पहने हुए दादी बैठी थी, दादी का सफेद साड़ी पहने हुए कौन बैठा था, तो दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, बहुत दिन पहले वो धोई नहीं थी, बहुत दिन से नहीं धोई थी, तो आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फूल के बाल, मन दादी का बाल कैसा दिख रहा है, रुई जैसा सफेद रंग का हल्का फूल का बाल दिख रहा है, गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, मैंने बहुत ध्यान से देखने पर भी दादी का एक भी काला बाल नजर नहीं आता, बिल्कुल रुई की तरह सफेद रंग का बाल हो गया है। किसका सफेद रंग का बाल हो गया है बच्चों, तो दादी का सफेद रंग का बाल हो गया है और बिल्कुल धूली धूली सी लग रही है दादी, माने ऐसा लग रहा है कि दादी एकदम धुआ गई है, धूली धूली सी लग रही है। और उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, उनके सामने केला का कुछ पत्ता काट कर क्या किया गया है, कतार में यानी लाइन में रखा गया है, हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया, बारी बारी से कहा गया कि सभी चीजों को छूना है और प्रणाम करना है। सभी चीजों को क्या करना है बच्चों, कि छूना है और प्रणाम करना है, जितने सामान है सबको छूना है और प्रणाम करना है। क्यों प्रणाम करना है, क्योंकि उस दिन क्या खत्म होता है, तो उसी दिन जो है बताइए आप क्या खत्म होता है, समझ रहे हैं ना, यानी कि जब वो खत्म होता है खिचड़ी के दिन तो हम क्या करते हैं, इसको आपको बताना है क्या खत्म होता है। तो हमें सबको बारी बारी से छूने के लिए कहा गया, जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा कर दान दे दिया गया, जब सभी ने कर लिया तो सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया गया और उसे क्या किया गया, दान दे दिया गया। और दान देने के बाद
आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी, आज अपी दीदिया जो थी इस सब कामों में बुरी तरह से फंस गई। क्यों फंस गई? उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी का दिन तो है, तो अपी दीदी को न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न खिचड़ी खाना ही पसंद है, तब तो फंस गई बुरी तरह से। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा, आज के दिन फरमाइशी नाश्ता नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलने वाला है? उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेगी, खिचड़ी भी खानी पड़ेगी और दही चूड़ा भी खाना पड़ेगा। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, यानी गया से क्या किया गया है, गया से तिल मंगाया गया है, तो सभी ने खिचड़ी खाने के बाद गया से आया हुआ तिल को क्या किए हैं कि जितने लोग हैं घर पे, गया से आया हुआ तिल को क्या करते हैं कि गुड़ और दही, गुड़ के साथ, गुड़ समझते हैं ना, गुड़ यानी मीठा और दही के साथ गुड़ और दही, गुड़ और चीनी से तिलकुट को बड़े चाव से खाया। जितने लोग थे गुड़ और दही चीनी के तिलकुट से बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है नया खिचड़ी, कितनी अलग है नया खिचड़ी, मैंने और पर्वों से कितना अलग है जो अभी हम मना रहे हैं। इसके साथ स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी, स्कूलों में जो खिचड़ी मनाते थे उस खिचड़ी की अलग ही मस्ती हुआ करती थी। और ऐसा मस्ती था कि छुट्टी का दिन नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर, छुट्टी का दिन था, नाव में बैठना होता था, गंगा नदी की सैर करना पड़ता था, और सैर और आज फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना, और इसके साथ या उड़ाने की कोशिश करना, अगर पतंग उड़ाने आता है तो उड़ाना, और नहीं तो उड़ाने की क्या करना, कोशिश करना, काफी मजा आता था। इसके साथ कितना मजा आता था, इधर हम पतंग उड़ाते थे, इधर हम क्या करते थे, पतंग उड़ाते थे, और पतंग उड़ाने के साथ साथ जैसे, और वही थोड़ी दूर पर गुरुजी जो थी बिमला दिद्दा आनंदी झिलमित भैया, और सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहू में खिचड़ी बनाते थे। सभी लोग मिलकर बैठकर और बड़े बड़े कड़ाहू में बैठकर खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छिलने बैठ जाते, मटर को छिलने और प्याज को छिलने के लिए हम भी क्या करते थे, बैठ जाते थे। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली, यानी यह खिचड़ी जो था ऐसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो पर ये है एक खुशियों का त्योहार। एक ऐसा त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में, यानी भारत के जितने प्रांत हैं सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। जनवरी माह के अंत में फसलों से जुड़ा हुआ भारत के हर प्रांतों में कोई ना कोई पर्व मनाया जाता है, और इस तरह से कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कोई क्या करता है, जो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब क्या करना है, इस उम्मीद में खुशी होती है कि अब पाला कम होगा, माने अब ठंडा घट जाएगा, ठंडा घटने के साथ सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में बड़ी फसल तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएंगे, सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है, सभी जो प्रांत है सभी प्रांत वाले अपने रंग और अपने ढंग में इस पर्व को मनाते हैं। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। और उत्तर प्रदेश जैसे है, बिहार हमारा राज्य है, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत के रूप में मनाया जाता है, यही असम में देखिए तो असम में क्या होता है कि असम में बिहू पर्व मनाया जाता है, केरल में इसी को ओणम के नाम से मनाया जाता है, तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है, और इसके साथ साथ पंजाब में इसे लोहड़ी नाम से मनाया जाता है, और झारखंड में सरहुल नाम से मनाया जाता है। बच्चों किस नाम से मनाया जाता है? झारखंड में सरहुल नाम से मनाया जाता है, और गुजरात में पतंग का पर्व, सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं।
इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाने का काम लोग करते हैं। और झारखंड में सरहुल जो होता है बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल जो मनाया जाता है बहुत ही जोश खरोश में मनाए जाते हैं। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। यह जश्न कितने दिनों तक चलता है बच्चों? तो ये 4 दिनों तक इसका जश्न चलते रहता है। खुशियां 4 दिन तक मनते रहती है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। जो भी जनजातियां हैं वे अलग अलग समय में इसे मनाती है। जैसे संस्थान लोग फरवरी मार्च में मनाते हैं। संस्थान परगना वाले जो हैं इसे कब मनाते हैं? फरवरी और मार्च में मनाते हैं। तो उरांव लोग जो हैं इसे मार्च अप्रैल में ही मनाते हैं। और इसके साथ साथ आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। जो भी आदिवासी हैं वो मुख्य रूप से कहा जाए तो प्रकृति की पूजा करते हैं। और सरहुल के दिन विशेष रूप से वे क्या करते हैं कि साल के पेड़ की पूजा की जाती है। सरहुल का जो पर्व मनाते हैं झारखंड में तो खासकर साल के पेड़ की पूजा करते हैं वो लोग। और सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा होती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं। जो साल का पेड़ होता है उसमें फूल भी आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। काफी ही खुशी के पूर्वक हो जाते हैं। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। और चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वही आसपास बसे छोटे छोटे जो गांव होते हैं, तो छोटे छोटे गांव लीपे पुते करीने के से बुहारे हुए और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर क्या करते हैं, एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और कमर में बाहें डालकर नृत्य भी करते हैं, नाचते भी हैं। आप देख रहे हैं, अगर आपके पास पुस्तक है तो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं और ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा भी कि ये लोग नाचते भी हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। वो नाचते हुए घर घर जाते हैं, फूल के क्या करते हैं बच्चों? तो पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की प्रथा भी है। लोग क्या करते हैं, घर घर से चंदा भी मांगते हैं। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? वो चंदा में पैसा नहीं मांगते हैं, चंदा में मांगते हैं मुर्गा, चावल और मिश्री। याद रखिएगा, वो चंदा में क्या मांगते हैं? मुर्गा मांगते हैं, चावल मांगते हैं और मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। जब इतने सामान हो जाते हैं तो खाने पीने और खेलों का दौर शुरू करते हैं। तीसरे दिन जाकर क्या होती है? तो पूजा होती है। तीसरे दिन जाकर वो लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। उसके बाद लोग क्या करते हैं, कान के ऊपर सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। जिस दिन यह पूजा हो जाता है इसी दिन से बसंत ऋतु का क्या माना जाता है बच्चों? तो शुरुआत माना जाता है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। जो पूजा करके आशीर्वादी धान रखा जाता है अगली फसल के लिए रखा जाता है कि उसे अगली फसल में बोया जाएगा। और इसके साथ तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार जो है, तमिलनाडु में मकर संक्रांति और फसलों से जुड़ा हुआ जो त्योहार है पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में यह कौन सा रूप में मनाया जाता है? तो पोंगल के रूप में, पोंगल कह के पर मनाया जाता है। और इसमें इस दिन खरीफ की फसलें जैसे चावल हो गया, अरहर हो गया आदि कटकर घरों में पहुंचती है और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। नए धान को कूटेंगे लोग और क्या करेंगे, उसे चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। जितने घर हैं वहां मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिससे नए चावल दूध और गुड़ जो होते हैं डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी क्या माना जाता है उन लोगों के लिए और सबके लिए? तो शुभ माना जाता है। हल्दी लगाना वो लोग शुभ मानते हैं, तो हल्दी शुभ मानी जाती है। और इसलिए साबुत हल्दी के मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। साबुत हल्दी के मटके के मुंह के चारों तरफ क्या करते हैं लोग? तो बांध देते हैं। और यह मटका दिन में जो होता है 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। दिन में क्या करते हैं कि 10:30-12 बजे तक निकाल के धूप में रखते हैं।
जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगल पोंगल पोंगला पोंगल यानी इस तरह के खिचड़ी में उफान आ गया कह के लोग क्या करते हैं कि स्वर सुनाई देता है। इन लोगों का जो शब्द है यानी कि आदिवासी शब्द है पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल यानी कि इसका मतलब है क्या बच्चों कि खिचड़ी में उफान आ गया। पोंगला पोंगल यानी खिचड़ी में उफान आ गया, खिचड़ी निकलने लगा। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा। गुजरात में जो होते हैं लोग वे पतंग उड़ाते हैं और मकर संक्रांति पतंग के बिना वो लोग अधूरा मानते हैं। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद ही आकर और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। मैंने उस दिन अगर नजर उठाकर देखा जाए तो अलग अलग रंगों के वहां पतंग उड़ते हुए नजर आएंगे। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म या जाति या आयु का हो वह क्या करते हैं, सभी लोग सभी धर्म सभी जाति वाले लोग पतंग उड़ाते हैं क्योंकि वहां की यह परंपरा हो गई है बच्चों। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है, इतने पतंग ऊपर उड़ते हैं कि सूर्य भी क्या हो जाते हैं वहां ढक जाते हैं, सूर्य भी नहीं दिखते हैं, आकाश में चारों तरफ पतंगे ही पतंगे नजर आता है। और इस तरह से बच्चों और भी जो होता है और जगहों पे जैसे आप मेरी बातें तो आप सबको समझ में आ रही है बच्चों, अगर मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आप क्या करेंगे कि जो भी बातें समझ में नहीं आ रही है आप मेरे कमेंट बॉक्स में निश्चित कमेंट करेंगे और कमेंट ऐसे करेंगे जैसे मुझे पता भी चल सके। कमेंट आप करेंगे निश्चित, अगर समझ में आ रही है तो भी कमेंट करेंगे, नहीं समझ में आ रही है वो भी कमेंट करेंगे। तो इस तरह वो लोग क्या करते हैं गुजरात वाले कि जब पतंग उड़ाते हैं तो हजारों लाखों की संख्या में पतंग ऊपर जाते हैं जिसे सूर्य भी नहीं दिखता है। कुमाई में मकर संक्रांति को धुधुतिया भी कहते हैं, कुमाई जो जगह है वहां मकर संक्रांति जो लोग मनाते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों, तो धुधुतिया बोला जाता है। इस दिन जो होता है आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। आटा लिया जाता है, गुड़ यानी मीठा लिया जाता है, उसको गूंथकर यानी मिलाकर और पकवान बनते हैं, पुआ बनते हैं, ठेकुआ बनते हैं, ऐसे पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं और जैसे डमरू बना दिए जाते हैं उसी के, तलवार बनाए जाते हैं, उसके बाद दाढ़ीम बनाए जाते हैं, दाढ़ीम का फूल बनाया जाता है आदि ऐसे करके वैसे पकवान बनाए जाते हैं बच्चों। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है, जब पकवान पक जाता है तो उसको एक माला में गूंथकर एक माला बनाया जाता है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की माला के बीच में क्या करते हैं कि संतरा समझते हैं ना, नारंगी को और गन्ना यानी ऊख को की गंडरी पिरोई जाती है, मतलब उसी के बीच में उसको भी गूंथा जाता है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं, जो बच्चे वहां के होते हैं बहुत रुचि मैंने बहुत मन से करते हैं और बहुत खुशी से करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है या माला बच्चों को सुबह में क्या की जाती है, दे दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं, जब काफी ठंड होता है इसलिए पक्षी जो होते हैं पहाड़ों में चले गए होते हैं और उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला के पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं। उस पक्षियों को जो पहाड़ में चले गए हैं तो पहाड़ से वापस बुलाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, उस माला में से उस पकवान को तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाने का काम करते हैं और गीत भी गाते हैं। वो लोग गीत भी गाते हैं, कौन सा गीत गाते हैं बच्चों, तो कौआ आओ धूमत आओ, कौन सा गीत गाते हैं, कौआ आओ धूमत आओ, ले कौआ बढ़ो मौके दे जा सोने का घड़ो, समझ रहे हैं ना, खा ले पूरी मौके दे जा सोने की छुरी। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि ये लोग आदिवासी शब्दों में गाते हैं, यानी कि इसके साथ ही इस जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं, यानी इसका मतलब है कि कौवा को बुलाते हैं, धूमुत को बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ और सोने का घड़ा लेके आओ, खा लो पूरी और पूरी खाने के बाद सोने का छुरी दे के जाओ, ऐसे कह के बच्चे बुलाते हैं पक्षियों को। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने का। हम लोग अपने यहाँ मकर संक्रांति जो मनाते हैं और वहां जो मनाए जाते हैं अलग अलग अंदाजों में मनाए जाते हैं, लेकिन पर्व तो एक ही है, अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। तो इस तरह से कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है
है ना, तो कहीं पांच प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनता है, और यहाँ कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ पड़ता है। कहीं कहीं लोग जो होते हैं बहुत बड़े भीड़ में नदी में स्नान करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि उस दिन स्नान करना लोग शुभ मानते हैं। इस तरह से लोग ठंड में ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीली पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगा ही लेते हैं। ठंडा भले कितना होता है, लेकिन एक डुबकी तो लगाएंगे ही, क्योंकि उस दिन उन लोगों का नहाना शुभ माना जाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी के में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है, आप तो समझ रहे हैं। तो लोग इतने ठंड से ठिठुरते रहेंगे और बर्फीली पानी में एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। और हाथ हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती है, यानी वह स्नान करने वाले जो जगह होते हैं वहां तिल रखने का माने खड़ा होने का भी जगह नहीं मिलता है, इतना भीड़ हो जाता है बच्चों वहां। तो इस तरह से मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, जब मकर संक्रांति होता है तो पानी में तिल डालकर लोग क्या करते हैं, स्नान करते हैं। तिल दान करना यानी तिल को दान भी करते हैं, आग में तिल डालना, आग जो जलाते हैं उसमें तिल डालते हैं, और तिल के पकवान बनाना यानी कि तिल के पकवान बनाते हैं लोग, यानी लाई बनाते हैं, देखते हैं आप लोग खाते भी हैं बच्चों। तो इस तरह से तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है, ये तो समझ रहे हो बच्चों। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या और कुछ कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और भी ऐसा त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी। क्या हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो इस तरह से बच्चों यह पाठ आपका समाप्त होता है, और आप अपने पे विचार करेंगे कि आप भी इस त्योहार को किस रूप में मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। तो चलिए आज इसमें कुछ प्रश्न है जिसको आप नोट करेंगे, मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप कॉपी कलम साथ में रखे हुए हैं, तो ध्यान पूर्वक सुनिए, मेरी आवाजें साफ सुना रही है आपको? तो साफ जब सुना रही है तो आप लिखिए कि सबसे पहला मौसम का अंदाज अगर हम देखते हैं तो मौसम के अंदाज में खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो ना देखनी, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कबो ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी में क्या क्या मतलब निकाल रही हो इसमें लिखना है तुमको बच्चों। इसके बाद दूसरा प्रश्न लिखिए कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो आप लिखिए कि कब सूरज नहीं निकलता है, बिल्कुल एकदम दिखाई नहीं देता है। और अपने साथियों से भी कुछ बातचीत करिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों कि बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह लगाते होंगे? तो इसमें बताया गया मैं कि बाहर खटखट की आवाज, पुकारने की आवाज, कल की आवाज, यानी जो भी आवाजें आती है, इसे अंदाजा लगाया जा सकता था कि किस तरह से हम कब तक सोए हैं और लोग जग चुके हैं, इसका मतलब है कि सुबह हो चुका है। अब आगे देखिए बच्चों कि तुम्हारी जुबान पे अब हमें देखना है कि क्वेश्चन नंबर क में दिया है कि आज इन लोग के उठे के नहीं का बात होता है ना, और दूसरा है ख में कि जा भाग के देख केरा के पता आई कि ना, जा भाग के देख केरा के पता आई कि ना। इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो कि कैसे आपके घर में बोला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत तेरे रंग अनेक, भारत एक है लेकिन इसके रंग क्या है, अनेक है, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग रंग से अलग अलग प्रकार से इस त्योहार को मनाया जाता है, एक ही त्योहार को अलग अलग रूप में मनाया जाता है, कुछ एक ही जगह पे अलग अलग जगहों एक ही जगह पे अलग अलग तरह से भी लोग मनाते हैं। देखिए भारत एक तेरे रंग अनेक, किस तरह के रंग अनेक है, तो एक नंबर में विविधता हमारे देश की क्या है, पहचान है, अनेकता हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, पांच पांच बच्चों का समूह एक एक उदाहरण के द्वारा ले और उस पर जानकारी इकट्ठी करो, यानी जानकारी चित्र फोटोग्राफ के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कविता के माध्यम से, सूचना पारक सामग्री के माध्यम से, और इसी रूप में हो सकती है। हर समूह
इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करें, यानी अपने घरों पे आप लिखें, और लिखकर क्या करें, इसका एक फोटो खींचकर अपने पेरेंट्स के मोबाइल से आप मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड जरूर करें, ताकि हम देख सके कि आप इसको सही ढंग से सुने हैं, बनाए हैं कि नहीं। क्योंकि एक बार में जब बात समझ में नहीं आए तो दोबारा तबारा इसको अवश्य सुनिए और इसमें प्रश्न आप बनाइए, क्योंकि प्रत्येक अगले दिन अलग अलग, यानी एक दिन अंतराल करके आपको ऑनलाइन क्लास मिलते रहेगा और उसके बाद अब विषय भी परिवर्तित होते रहेगा। अब इसमें जैसे देखिए कि बताया गया कि भाषा कैसे है, कपड़े कैसे हैं, उसके बाद नया वर्ष कैसा है, भोजन कैसा है, लोक कला कैसा है, लोक संगीत किस प्रकार की है, इस पे हमें अंतर करना है। बच्चों दूसरा प्रश्न है कि तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है। तुम्हें हो सकता है कि कोई दूसरा त्योहार भी अच्छा लगता हो, तो दूसरा त्योहार कौन सा अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है, इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है, मैं जब दूसरा त्योहार होता है उस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या रहती है। तो इस तरह से बच्चों अब अन्न के बारे में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं कि अन्न के बारे में फसलों के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। जब फसल का त्योहार हम मनाते हैं तो तिल का बहुत महत्व होता है। 1 नंबर प्रश्न में है, तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो और इसे लिखो। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है कि क्या तुम जानती हो कि तिल के तेल बनता है, तिल का तेल बनता है क्या पता है आपको, और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे बनता है, हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो, नहीं तेल की दुकान में नहीं जाना है, आप अपने घरों पे पूछिए कि कौन कौन सा और सामान बनते हैं। बच्चों तो इस तरह से आपका ये पाठ समाप्त करते हैं, तब तक के लिए बच्चों अलविदा।